राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का असली बॉस कौन, एनसीपी किसकी है, कौन सा नेता विधायक कार्यकर्ता किसके साथ है, इन सवालों के जवाब ढूंढने और अपनी ताकत दिखाने के लिए 5 जुलाई को शरद पवार और अजित पवार दोनों ने अपनी अलग अलग मीटिंग बुलाई। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजित पवार का अपने चाचा शरद पवार से बगावत और शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद ये पहली और अहम बैठक हुई। दोनों ही गुट ने अपने अपने दावे किए, वादे किए, आरोप लगाए। चलिए आपको बताते हैं कि दोनों यानी शरद पवार और अजित पवार के गुट की बैठक में क्या क्या हुआ और किसने क्या कहा। अजित पवार की माने तो नंबर गेम में उन्होंने शरद पवार को पीछे छोड़ दिया है, फिर भी एनसीपी पर दावा करने की लड़ाई में वो पूरी तरह कामयाब होते नहीं दिखे। बैठक में अजित पवार ने माना कि उन्होंने जितने विधायकों के समर्थन का दावा किया था उतने इस बैठक में नहीं आए। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ विधायक यहाँ नहीं है लेकिन सभी उनके संपर्क में हैं। अजित पवार ने इस बैठक में दावा किया कि 2019 में मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद की वजह से बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटने के बाद एनसीपी की बीजेपी नेताओं के साथ 5 बैठकें हुई थी, लेकिन बाद में कहा गया कि हम शिवसेना के साथ जाएंगे। अजित पवार ने साफ कहा कि उनका भी सपना सीएम बनने का है। वहीं चाचा शरद पवार ने पलटवार करते हुए कहा कि मेरी तस्वीर के बिना भी काम नहीं चला। शरद पवार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अजित पवार गुट की बैठक में स्टेज पर शरद पवार की फोटो लगी थी। अजित पवार ने कहा कि शरद पवार 83 साल के हो गए हैं फिर भी राजनीति से रिटायर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने मुझे सबके सामने खलनायक के रूप में दिखाया, मेरे मन में अब भी सम्मान है। आप मुझे बताएं, आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, राजनीति में भी बीजेपी नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आप लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देख सकते हैं, इससे नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अजित ने शरद पवार की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप 83 वर्ष के हैं, क्या आप रुकने वाले नहीं हैं, हमें अपना आशीर्वाद दें और हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी उम्र लंबी हो। अजित पवार के द्वारा शरद पवार को उम्र का हवाला देते हुए राजनीति छोड़ने पर एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उनको सिर्फ आशीर्वाद देना चाहिए। रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, वॉरेन बफेट सब लोग बूढ़े हैं। फारूक अब्दुल्ला, जो शरद पवार से 3 साल बड़े हैं, वो भी बोल रहे हैं कि शरद को लड़ना चाहिए। सुप्रिया ने आगे कहा कि आप हमारा अपमान करें लेकिन हमारे पिता का नहीं। यह लड़ाई बीजेपी की सरकार के खिलाफ है। बीजेपी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। मूल एनसीपी शरद पवार के साथ है और मूल प्रतीक हम हैं। वहीं दूसरी तरफ अजित पवार की बैठक खत्म होने के बाद शरद पवार ने अपने गुट वाले एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अजित पवार का नाम लिए बिना शरद पवार ने कहा कि अगर आप किसी चीज से खुश नहीं थे तो बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए था। उन्होंने अजित को नसीहत देते हुए कहा कि अगर कोई गलत काम किया तो वह सजा भुगतने को तैयार रहे। पवार ने आगे कहा कि हम सरकार का हिस्सा नहीं है, लोगों के बीच है। शरद पवार ने कहा कि पार्टी का चुनाव निशान हमारे पास है, वह कहीं नहीं जाएगा। जो लोग और पार्टी कार्यकर्ता हमें सत्ता में लाए हैं वे हमारे साथ हैं। शरद पवार ने कहा कि पार्टी का चुनाव निशान हमारे पास है, वह कहीं नहीं जाएगा। जो लोग और पार्टी कार्यकर्ता हमें सत्ता में लाए वे हमारे साथ हैं। जिन विधायकों ने अलग होने का फैसला किया उन्होंने हमें विश्वास में नहीं लिया। अजित पवार गुट ने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। यही नहीं, शरद पवार ने आगे पीएम मोदी के भोपाल में दिए भाषण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में भाषण दिया और कहा कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ का स्कैम किया है, फिर अगर एनसीपी भ्रष्ट पार्टी है तो उसे सरकार में क्यों शामिल किया। शरद पवार यही नहीं रुके, उन्होंने अजित का बीजेपी के साथ हाथ मिलाने पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि जो लोग बीजेपी के साथ गए उनको बीजेपी का इतिहास याद करना चाहिए। पंजाब में अकाली दल अब बीजेपी के साथ नहीं है। बिहार, आंध्र प्रदेश में बीजेपी सरकार से बाहर हुई, उसका गठबंधन टूटा। जो भी बीजेपी के साथ गया बाद में वह बाहर हो गया। बीजेपी गठबंधन वाली पार्टी को बर्बाद कर देती है। वहीं अब खबर आ रही है कि एनसीपी पर हक जताने के लिए अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने एक बड़ा दावा किया है। गुट ने कहा है कि एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पास हो गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की जगह खुद अजित पवार रहेंगे।